आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो स्पेस मूवी लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। मूवी का नाम है लाइफ। मार्स से अर्थ एक स्पेस प्रॉप पिलग्रिम अर्थ की तरफ वापस आ रहा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 एस्ट्रोनॉट्स उसका इंतजार कर रहे थे। पिलग्रिम में मार्स की मिट्टी के सैंपल्स थे। इन सॉइल सैंपल से एस्ट्रोनॉट को पता चलता कि मार्स पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं। पिलग्रिम बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा था पर कुछ खराबी होने की वजह से उसका कोर्स चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत टेंशन में आते हैं क्योंकि उनको वो मार्स की मिट्टी का सैंपल जरूर चाहिए था। एक एस्ट्रोनॉट रॉरी अब स्पेस सूट पहनकर स्पेस स्टेशन से बाहर जाने की तैयारी करता है। रॉरी स्पेस स्टेशन के बाहर एक मैकेनिकल आर्म को कंट्रोल करेगा जिससे वो पिलग्रिम को कंट्रोल कर सके और अपने पास पकड़ सके। बाकी सब एस्ट्रोनॉट्स अपने टास्क पर चले जाते हैं। कमांडर एकैटरीना और शो कमांड सेंटर पर होते हैं ताकि वो सब कुछ सुपरवाइज कर सके। स्टेशन के डॉक्टर डेविड और साइंटिस्ट ह्यूज रॉरी के वाइटल साइंस पर नजर रखते हैं। रॉरी स्पेस स्टेशन के बाहर होते हैं और पिलग्रिम बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। वो जल्दी से मैकेनिकल आर्म को फिक्स करते हैं। पिलग्रिम की बहुत जोर से मैकेनिकल आर्म से टक्कर होती है जिससे सारा स्पेस स्टेशन हिल जाता है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से बाहर देखते हैं वो देखते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुली पिलग्रिम को पकड़ लिया था। वो लोग नासा को कॉल करके ये खुशखबरी देते हैं। इसके बाद ह्यूज मार्स की मिट्टी का सैंपल लेते हैं और माइक्रोस्कोप से उसे ऑब्जर्व करते हैं। वो बोलते हैं कि उस सैंपल में एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का फॉसिल है। फिर वो उस ऑर्गेनिज्म को एटमॉस्फेयर के कंडीशंस में टेस्ट करते हैं और हैरानी की बात ये थी कि वो ऑर्गेनिज्म मूव करने लगता है, जिसका मतलब था कि मार्स पर लाइफ थी। ये बात अर्थ पर सब न्यूज चैनल्स पर टेलीकास्ट होने लगती है। इन एस्ट्रोनॉट्स का इंटरव्यू अब स्कूल स्टूडेंट्स के साथ होता है। उनको इस ऑर्गेनिज्म का नाम रखने का मौका दिया गया था। वो बच्चे उस ऑर्गेनिज्म का नाम केल्विन रखते हैं। स्पेस स्टेशन पे अब सब एस्ट्रोनॉट्स अपना काम कर रहे होते हैं। ह्यूज नोटिस करता है कि केल्विन ग्रो हो गया था। अब उसमें बहुत सारे सेल्स थे और वहां सेल्स का एक नेटवर्क बन चुका था। ह्यूज ये देखकर हैरान होते हैं कि केल्विन की सेल्स न्यूरॉन्स मसल्स या आई सेल्स सब एक साथ बन रही थी और केल्विन की बॉडी अब शेप भी ले रही थी। ह्यूज अब उसे छूने की कोशिश करते हैं और केल्विन भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है। इसके बाद सब एस्ट्रोनॉट्स अपने काम करते हैं। शो की बेटी पैदा होती है और वो उसे देखने के लिए अर्थ पर नहीं होते। इसी के साथ कई हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से स्पेस स्टेशन का अलार्म बज जाता है। रॉरी जल्दी से जाकर वो माल फंक्शन ठीक करता है। बाद में स्पेस स्टेशन की एक डॉक्टर मिरांडा बोलती है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केल्विन अपने इंक्लोजर से बाहर नहीं निकल पाए। ये बात ह्यूज को पसंद नहीं आती क्योंकि उसके हिसाब से केल्विन में कोई डिजीज नहीं है, पर मिरांडा सही बोल रही थी क्योंकि केल्विन एक एलियन था जिसके बारे में अभी उन्हें कुछ भी पता नहीं था। केल्विन की ग्रोथ अब रुक गई थी। क्रू को लगा कि माल फंक्शन की वजह से केल्विन हाइबरनेशन में चला गया होगा, लेकिन जब मिरांडा देखती है कि केल्विन की ग्रोथ रुक गई है वो चैन की सांस लेती है क्योंकि उसे लगता था कि केल्विन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसकी ग्रोथ रुक गई है तो वो लोग आराम से उस एलियन को स्टडी कर सकते हैं। ह्यूज क्रू को बताता है कि ऐसा पॉसिबल है कि केल्विन के पास कोई ऐसे सब्सटेंस हो जिससे इंसान की सारी डिजीजेस खत्म हो जाए। इसलिए ह्यूज डिसाइड करता है कि केल्विन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर हाइबरनेशन से जगाया जाए, यानी कि दोबारा से एक्टिव किया जाए। वो उसे रॉड से शॉक देना शुरू करते हैं और अचानक से केल्विन उठ जाता है। केल्विन उस रॉड को पकड़ लेता है और ह्यूज के हाथ को क्रश करना शुरू करता है। विंडो से बाकी क्रूमेट्स उसे देख रहे होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तभी केल्विन बहुत जोर से ह्यूज के हाथ पर काट लेता है। ह्यूज का हाथ अब बहुत अजीब शेप का हो गया था। ह्यूज को इतना पेन हो रहा था कि वो चिल्ला रहा था कि कोई क्रूमेट उसकी मदद करे, पर कमांडर ने परमिशन नहीं दी क्योंकि उसका मतलब था दूसरे एस्ट्रोनॉट्स की जान को जोखिम में डालना। फाइनली केल्विन ह्यूज का हाथ तोड़ देते हैं। ह्यूज बेहोश हो जाता है। अब केल्विन एंक्लोजर से निकलने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड को ग्लव्स की तरफ मारता है जिससे ग्लव्स टूट जाता है और केल्विन बाहर आ जाता है। बाहर निकलकर केल्विन लैब के चूहे को पकड़कर खा जाता है और केल्विन का साइज अब और बढ़ जाता है।
इसी दौरान क्रूमेट्स लेबोरेटरी का दरवाजा खोलते हैं ताकि ह्यूज को बाहर निकाल सके। रॉरी अंदर जाता है और ह्यूज को बाहर पुश करता है, पर क्रू को दरवाजा जल्दी बंद करना पड़ा क्योंकि केल्विन ने रॉरी की टांग पकड़ ली थी। इसकी वजह से ह्यूज तो बाहर आ जाता है पर रॉरी अंदर ही रह जाता है। अब रॉरी डिसाइड करता है कि वो ऑक्सीजन कैंडल से केल्विन को जला देगा जिससे वो उसकी टांग को छोड़ दे। केल्विन उसकी टांग को छोड़ देता है पर लेबोरेटरी में कहीं जाकर छुप जाता है। रॉरी अब ऑक्सीजन कैंडल्स की फ्लेम यूज करता है केल्विन को मारने के लिए, पर अचानक से केल्विन उसके फेस पर हमला करता है और उसके मुंह में चला जाता है। रॉरी की सांस बंद होने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। केल्विन रॉ के इंटरनल ऑर्गन्स खा जाता है और रॉरी मर जाता है। दूसरी तरफ अब लैब में फ्लेम की वजह से आग लग जाती है जिसकी वजह से अलार्म बजता है। केल्विन रॉरी के मुंह से बाहर आता है, वो बहुत ही बड़ा और भयानक हो चुका था। इसके बाद केल्विन फायर वेंट से लेबोरेटरी से बाहर निकल जाता है। यहाँ क्रूमेट्स जल्दी से नासा तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं पर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ओवरहीट की वजह से खत्म हो गया था। एक्ट्रीना स्पेस सूट पहनकर स्पेस स्टेशन से बाहर जाकर उसे स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करती है। वो देखती है कि कम्युनिकेशन सिस्टम का सारा कूलेंट खत्म हो गया था। केल्विन अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए कूलेंट यूज कर रहा था। अचानक से केल्विन एक्ट्रीना के स्पेस सूट पर हमला करता है। एक्ट्रीना के स्पेस सूट में लिक्विड जमा होने लगता है क्योंकि केल्विन उसके सूट का कूलेंट ले रहा था। उसके सूट में लिक्विड पूरा भर जाता है और वो सांस नहीं ले पाती। एक्ट्रीना स्पेस शिप की तरफ वापस जाती है पर वो खुद को स्पेस शिप से बाहर ही लॉक करती है ताकि क्रू मेंबर्स केल्विन से बच जाएं। कुछ ही देर में एक्ट्रीना मर जाती है और स्पेस में फ्लोट करती है, लेकिन केल्विन स्पेस शिप से चिपक जाता है और वो वहां ब्लास्ट करवा देता है, लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से स्पेस स्टेशन ऑर्बिट से बाहर आता है। क्रू का बचा हुआ फ्यूल स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में लाने के लिए यूज करना पड़ता है और इसी दौरान किसी तरह केल्विन स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाता है। ह्यूज को समझ आता है कि केल्विन की स्पीशीज मार्स पे एक जमाने में जिंदा थी, लेकिन एटमॉस्फेयर कोलैप्स होने की वजह से वो हाइबरनेशन में चली गई। ह्यूज बोलता है कि अगर वो वैसे कंडीशंस बना ले तो केल्विन दोबारा हाइबरनेशन में चला जाएगा। सारे क्रूमेट्स एक कैप्सूल में जाते हैं और उसे सील करते हैं और फिर बाकी सारे स्पेस स्टेशन से ऑक्सीजन निकाल देते हैं ताकि केल्विन हाइबरनेशन में चला जाए। पर तभी उस कैप्सूल में मिरांडा देखती है कि ह्यूज की टांग पर कुछ चल रहा था। ह्यूज बहुत कमजोर पड़ा हुआ था। वो उसकी टांग चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो केल्विन था। वो लोग केल्विन को शॉक देने की कोशिश करते हैं पर उससे केल्विन और ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब डेविड, मिरांडा और शू अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। शू अपने स्लीपिंग पॉड में जाता है और डेविड और मिरांडा भी छुप जाते हैं। कुछ ही देर बाद डेविड और मिरांडा ह्यूज के पास आते हैं जो उन्हें बोलता है कि ये सब उसकी गलती है, पर डेविड और मिरांडा उसे समझाते हैं कि ये टीम का डिसीजन था। डेविड और मिरांडा को समझ आता है कि ह्यूज अब जिंदा नहीं बच पाएगा। उसी टाइम वो नोटिस करते हैं कि ह्यूज का ट्रैकर स्पेस शिप में मूव हो रहा था। असल में केल्विन ने ह्यूज का ट्रैकर खा लिया था जिसकी वजह से अब क्रू को पता चल सकता था कि वो कहां पर छुपा हुआ है, यानी कि क्रू अब उसे ट्रैक कर सकता था। डेविड और मिरांडा उसकी लोकेशन चेक करके उसे कंपार्टमेंट के दरवाजे से बंद कर देते हैं और वहां से सारा ऑक्सीजन निकाल देते हैं जिसकी वजह से केल्विन अब सफोकेट हो रहा था। तभी उन लोगों को एक वार्निंग मिलती है कि सोया स्पेसक्राफ्ट उनकी तरफ आ रहा है। मिरांडा बताती है कि यह स्पेसक्राफ्ट अर्थ से भेजा हुआ है उन लोगों को डीप स्पेस में धक्का देने के लिए ताकि केल्विन अर्थ पे ना पहुंच पाए, पर इस सब में वो सब एस्ट्रोनॉट्स मर जाते हैं। शो जब सोयस स्पेसक्राफ्ट देखता है तो उसे लगता है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन है। वो अपने स्लीपिंग पॉड से निकलता है और सोयस स्पेसक्राफ्ट में जाने की कोशिश करता है। शो के पीछे पीछे केल्विन भी सोयस में जाता है और वो वहां के सारे क्रू मेंबर्स को मार डालता है। केल्विन को स्पेस स्टेशन से बाहर लाने के लिए शो अपनी जान दे देता है। शो तो स्पेस में खिंचा चला जाता है पर केल्विन किसी तरह स्पेस स्टेशन के बाहर चिपक जाता है। सोयस स्पेस स्टेशन आईएसएस के साथ क्रैश होता है जिससे सारा स्पेस स्टेशन टूट जाता है। मिरांडा जल्दी से स्पेस स्टेशन का दरवाजा बंद करती है ताकि केल्विन बाहर ही रह जाए।
अब उसका स्पेस स्टेशन ऑर्बिट से बाहर निकल गया था। उनके पास बस 30 मिनट थे जिसके बाद वो लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते। डेविड को आइडिया आता है, वो बोलता है कि केल्विन को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन कैंडल लेके केल्विन को एक एस्केप पॉड में ले जाएंगे। फिर डेविड उस एस्केप पॉड को डीप स्पेस में लॉन्च करेगा केल्विन के साथ, जिसकी वजह से केल्विन अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। डेविड ये सैक्रिफाइस करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर केल्विन अर्थ पे पहुंचा तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएंगे। डेविड मिरांडा को बोलता है कि वो दूसरे पॉड में बैठ के अर्थ पे जाए और सबको बताए कि क्या हुआ। डेविड केल्विन को लेकर डीप स्पेस में जाने के लिए लॉन्च की तैयारी करता है और मिरांडा अपने पॉड में अर्थ पर जाने की तैयारी करती है। ये दोनों पॉड्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में लॉन्च होते हैं, एक अर्थ की तरफ और दूसरा डीप स्पेस की तरफ। मिरांडा अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करती है जिसमें वो बताती है कि मार्स पर जो लाइफ है वो इंसानों के लिए खतरे से खाली नहीं है और अगर कभी भी केल्विन अर्थ पर पहुंचे तो उसे तुरंत मार दिया जाए। डेविड के पॉड में केल्विन उसका हाथ क्रश कर रहा था जिससे डेविड पेन में चिल्ला रहा था। फाइनली अर्थ पर एक पॉड पानी में लैंड करता है जहां फिशरमैन फिशेस पकड़ रहे थे, पर यहां जो ट्विस्ट है वो ये है कि उस पॉड में मिरांडा की जगह डेविड और केल्विन होते हैं जो अर्थ पर पहुंच गए थे और मिरांडा डेविड की जगह डीप स्पेस में चली गई थी क्योंकि उनके पॉड्स गलती से गलत डायरेक्शन में लॉन्च हो गए थे। वहां मौजूद मछुआरे डेविड के पॉड की तरफ जाते हैं। वो देखते हैं कि डेविड एक टेंड्रिल में पूरा बंद था। वो पॉड को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन डेविड उन्हें पॉड खोलने से मना कर रहा था, लेकिन अंदर से उन्हें बाहर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि जैसे ही वो पॉड खोलेंगे अर्थ और इंसान खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में आपने एलियंस के बारे में सीखा। इंसानों को अभी एलियंस की ज्यादा नॉलेज नहीं है। एलियंस अगर इस यूनिवर्स में है तो वो केल्विन जैसे भयानक भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस इंसानों की तरह ऑक्सीजन से जिंदा रहते हो जैसे केल्विन था। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।